अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू ऑल इन माई चैनल पिजन्स ऑफ दक्कन। नो लिमिट टू फ्लाइट, उड़ान की कोई हद नहीं। मैं मोहम्मद इरफान खान, इंडिया हैदराबाद दक्कन से। काफ़ी टाइम के बाद एक वीडियो लेकर आया हूँ बच्चों के ऊपर। उससे पहले आपसे ये बात करनी थी कि जितने भाई मुझे व्हाट्सअप और कॉल कर रहे थे, व्हाट्सअप मैसेजेस कर रहे थे, व्हाट्सअप ऑडियो मैसेजेस कर रहे थे, उनको ये बताना है कि भाई काफ़ी टाइम से मेरी वीडियोज़ नहीं आ रही थी ड्यू टू लॉकडाउन। लॉकडाउन चल रहा था कोविड-19 की थ्रो, तो अभी काफ़ी हद तक लॉकडाउन खुल चुका है, लॉकडाउन खुल चुका है और काफ़ी सारे वीडियोस में रुक चुके थे। इंशाल्लाह कोशिश करूँगा कि यहाँ से कंटिन्यू डालूँ। अब आप मेरे सामने देख रहे हैं, ये नीले बच्चे हैं सामने और कुछ फैंटेल है, ये वो बच्चे हैं जिनके माँ बाप इनको खिलाना छोड़ चुके हैं या कुछ अंडे दे चुके हैं या कुछ मस्ती में आ चुके हैं, या कभी ऐसा होता है कि मोल्डिंग पे आ जाते हैं, या कुछ जोड़े ऐसे होते हैं कि बाप बच्चों को ठीक से नहीं खिलाते हैं। तो उनको ऐसे ही आप मरने मत छोड़िए, उनको सेल्फीड पे लीजिए, सेल्फीड पे सॉरी आने तक आप उनको हैंड फीड पे लीजिए, उनको अच्छा खिलाइए। जैसे कि ये बच्चा देखिए, दो बच्चे हैं मेरे पास, ये 4-5 दिन के थे जब से इनको हैंड फीड करा रहा हूँ। ये बच्चे 15 दिन के थे, अभी सेल्फीड कर रहे हैं, देखिए खा रहा है वो। और सामने ये एक फैंटेल का बच्चा है, रिबन फैंटेल का, इसको भी अलग कर लिया हूँ। माँ बाप इसके जल्दी अंडे दे दिए थे इसलिए इसको छोड़ दिए हैं। और एक सामने ये एक रिबन का पट्ठा है, ये भी सेल्फ फीड पे आ चुका है। इसकी फ़ैन की क्वालिटी भी देखिए काफ़ी अच्छी है। ये एक सामने अलमंड का बच्चा है, तो ये सारे अभी सेल्फ फीड पे आ चुके हैं। एक रिबन का वो बच्चा और ये दो बच्चे आना बाकी है। तो आप बच्चों के पीछे मेहनत करिए, आप बच्चों के पीछे मेहनत करिए, उनको सेव रखिए, उनको हेल्थी रखिए, ताकि उनकी अच्छी क्वालिटी में उनके फेदर्स आ सके, उनका साइज़ आ सके, ऐसे ही मत छोड़िए। और मैं कम्युनिटी पे एक पोस्ट डाला था फैंटेल्स के रिलेटेड, कि फैंटेल्स का सेटअप इंशाल्लाह जल्दी आपको शो करूँगा। ये सेटअप है मेरे बड़े भाई का, जो फैंटेल्स का सेटअप करे उन फैंसी के शौकीन हैं, तो उन्होंने काफ़ी सारा सेटअप किया है फैंटेल में और बड़ा सेटअप करेंगे आगे जाके भी। तो इंशाल्लाह आपको उसके चिक्स अवेलेबल हो जाएंगे, जो जो मेरे को मैसेजेस कर रहे हैं। जैसे ही नेस्ट आउट होंगे, जैसे ही सेल्फिट पे आएंगे, मैं आपको शेयर करूँगा, ठीक है भाई। तो वो कबूतर बड़े भाई के हैं, मेरा हाई फ्लायर का शौक़ है, रखना रहा कभी तो ये नीले फैंटेस एक दो पेयर रख लेता हूँ कभी कभी शौक़ के लिए, रंगीनों में 2-3। हाई फ्लायर का ही ज़्यादा शौक़ है, इंशाल्लाह हाई फ्लायर का भी सेटअप आपको बताऊंगा, जो मैं थोड़ा नया सेट किया हूँ। पेयर्स भी बताऊंगा, जो जो नए पेयर्स बच्चे बने हैं। तो ये वीडियो को आप इंजॉय करिए और जितना हो सके बच्चों का टेक केयर करिए। अब बारिशों का मौसम आ रहा है, ठंड पड़ेगी, तो अपने लॉफ्ट साफ़ करिए और क्लीन करिए डेटॉल से या जो है फेनाइल से, फ़र्श को पूरे लॉफ्ट में डेटॉल का स्प्रे या फेनाइल का स्प्रे करिए कबूतरों को निकाल के। और मिक्स डाइट स्टार्ट करिए, पानी थोड़ा कुनकुना गर्म करके दीजिए, ठीक है। इंशाल्लाह कोशिश करूँगा कि यहाँ से कंटिन्यू वीडियोस आपके लिए लेकर आऊँ। तब तक के लिए अलविदा, अल्लाह हाफिज़।